ओके सो तुम्हारी फरमाइश पे आ चुकी है पॉपी प्ले टाइम की एक और रियल लाइफ वाली वीडियो। यार तुम लोगों ने मेरे को पहले बताया नहीं तुम्हें ये वाली वीडियो इतनी ज्यादा पसंद है, तुम बोलो मैं दिन रात यही डालूंगा। देखो मजाक कर रहा हूँ, इतनी वीडियो है नहीं रिएक्ट करने के लिए कि मैं दिन रात डाल पाऊँ। नहीं तो मुझे क्या चाहिए, व्यूज नहीं, तुम्हारी खुशी। और ऐसे ही मुझे पता है तुम्हें मेरी खुशी चाहिए होगी, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। ओके सो ये हमारी पहली वीडियो डॉग डी वर्सेस कैट नैप। ओके सो यहाँ पे एक मम्मी है जो कि अपने बच्चे को सुला रही है रात के टाइम पे, एंड अभी लाइट बंद कर दी गई है, ये भी सोएगा ना। कुछ आवाज आ रही है, यप ओ भाई कैटनैप, ये सब पूछ रहा है कि ये कौन है, उसको पता है, वो कह रहा है कि तुम असली नहीं हो, वो कह रहा है वो असली है एंड उसको खा जाएगा। भाई हंस रहा है, ओ व्हाट, डॉग डी आ गया उसको बचाने, डॉग डी। यार पहले मैं इसको डॉग डे बोल रहा था, फिर मैंने पढ़ा कि हाँ वो डॉग डी है। ओके ये इसको बचा के यहाँ से ले जा रहा है, एंड अभी आई गेस के लिए जैकेट भी ले आया है क्योंकि बाहर ठंड है। नाइस। ओके ये अभी से पूछ रहा है कि क्या इसके पास गाड़ी है लाइक यहाँ से निकलने के लिए, एंड बोल रहा है उसके पापा के पास है, तो अभी ये लोग इस गाड़ी में बैठ के जाएंगे। एंड डोंट से कि वो कुत्ता गाड़ी चलाएगा, मतलब डॉग भी गाड़ी चलाएगा। भाई व्हाट, डॉग गाड़ी चला रहा है क्योंकि वो बोल रहा है वो डरा हुआ है, बट डॉग डी कह रहा है कि तुम्हारे डर से कैटनैप को ताकत मिलती है, तो उसको डरना नहीं चाहिए। एंड ये अंदर आ गया है, व्हाट, इनका पीछा कर रहा था कैटनैप। भाई अब क्या करेंगे ये लोग, उससे पूछ रहे क्या वो गाड़ी चला सकता है, एंड ये मना कर रहा है, वो फिर भी उसे कह रहा है कि आजा चला, व्हाट कह रहा है इजी है चला सकते हैं, वो आप ही क्या, व्हाट आर यू सीरियस, वो बच्चा नीचे गाड़ी चला रहा है एंड ये लोग ऊपर लड़ रहे हैं। वो कह रहा है रोड को देखने के लिए, ऊपर वो संभाल लेगा। भाई ओ उसे से फेंक दिया, ओके अभी अंदर आएगा, या नाइस। ओके सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल दिया उसे, पूछ रहे क्या उसने उसको हरा दिया है, एंड ये बोल रहा है सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, जैसे ही वो इससे डरना छोड़ देगा वैसे ही वो गायब हो जाएगा। कहीं तो आ गए हैं, ओके सही जगह आ चुके हैं, अब यहाँ पे कैटनैप नहीं आ पाएगा, कैटनैप वोंट फाइंड अस देयर, यप यही कह रहे हैं। ओ व्हाट, ये यहाँ पे आ गया और बड़ा है, आई गेस इसके डर से, इस बच्चे के डर से उसे ताकत मिल रही है, जितना ज्यादा डरेगा ना वो उतना बड़ा होता जाएगा, उतना पावरफुल। ये बोल रहा है दोनों साथ में नहीं जा सकते, तो ये उसको रोकेगा एंड बच्चे को बोल रहा है वहां से जाने के लिए, वो बच्चा बोल रहा है बिग को अकेले नहीं जाना है, बट फिर भी उसको बोल रहे कि तू जा, मैं यहाँ पे पीछे से इसको संभालता हूँ। ये निकल रहे हैं, रुक गया क्या, देख के व्हाट, जा क्यों नहीं रही है, उसको मार रहा है, ये कह रहा है उसको कुचल दे, ओ व्हाट, अगर उसको ना छुए वो उसका दोस्त है, कह रहा है वो उससे नहीं डरता, ओ वो छोटा होता जा रहा है, ओके उसका डर निकल गया एंड उसकी सारी पावर चली गई, उसको फेंक दिया। ग्रेट जॉब किड, वो इसका मतलब है हाउ विल वी गो, मतलब उसने अपने डर का सामना किया, वेक अप किड, वो पूछ रही घर कैसे जाएंगे, तो उससे कह रहा है कि वेक अप सन, ये सपना देख रहा था या यही मेरे को लगा था, यू नीड टू गो टू स्कूल, उसकी मम्मी कह रही है स्कूल का टाइम हो गया है, अबे इतना सब कुछ हो गया सपने के अंदर, आर यू सीरियस, है मतलब ये सब सपना चल रहा था अच्छा इसीलिए इसके डर की वजह से वो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। ये कहाँ से आया,
जो रियल लाइफ है। डॉग डी रियल लाइफ में कैसे है? Covers the world and scary dreams. Okay, यहाँ पे अब ज्ञान दे रहे हैं। okay. यहाँ पे ये शॉर्ट फिल्म खत्म होती है। नाइस, अच्छी स्टोरी थी। कैटनैप पॉपी प्ले टाइम इन रियल लाइफ। ये देखो तो भाई कितना बड़ा और डरावना है, लेकिन नीचे तुम देख रहे हैं ये पहाड़ है एंड इसके साइड से निकल रहा है, मतलब वो छोटे पत्थर कंकड़ ऐसे लग रहे हैं इसके सामने भाई। और इसके मुंह में क्या दिक्कत है? ये बंदी हो सकता है क्या? ओ भाई ये ऐसे ही बड़ा हो रहा है, अटेंशन पोजीशन में है भाई। स्कूल नहीं है प्लीज। द राइज ऑफ डॉग डी। उसे क्या हुआ? उसके मुंह में से कैटनैप निकला क्या? ये क्या हो रखा है? अभी ये साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया है मुझे लग रहा है। इनकी पूरी लैबोरेटरी जल के राख हो रही है। उसे पूछ रही क्या हुआ उसे? कह रहा है वो तबाह हो चुका है। ओ वो इससे पहले की आई गेस की याद कर रहा है इसके साथ क्या हुआ है। वो ये कैटनैप है, इसको अपने कंट्रोल में कर लिया क्या? अंडा भी इसने ये उठा लिया और इसको खाते का क्या? उसको सॉरी बोल रहे कि उसकी मदद नहीं कर पाया। इसके साथ इसने किसने किया ये? उसको काट रहा है। ये हुआ है उसके साथ एंड उस टाइम पे ये यहाँ से निकला था, इसने देखा था इसके साथ ये हो रहा है, बट फिर भी ये इसकी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे कैटनैप भी था। अब ये क्या एंड इसे डर के भाग गया। यहाँ भी इसने एक बार सॉरी बोला था। ये दोनों ही बोल रहा है अब उसको बोल रहा है वो नहीं मरेगा, उसको बचाएगा वो एंड भाग रहा है बचाने के लिए, हॉस्पिटल ले जा रहा है शायद गाड़ी में बिठा के भाई। बट ये कैसे बचेगा? रो रहा है हॉस्पिटल के बाहर बैठ के। We've got good news. डॉक्टर कह रहा है उसके पास गुड न्यूज है। ओ भाई वो सही में व्हाट? Hello, friend. अभी वो सही हो चुका है। Thank you. अबे हॉस्पिटल से निकलते ही फोटो खिंचाने लग गए। नाइस, अच्छा है, बट भाई ये थोड़ा इमोशनल और हैप्पी था, लेकिन वो सही में वहाँ पे बुरा लगा था जब उसको काट रहे थे भाई, उसको आधा कर दिया था। बट हाँ, मेरे को ऐसे समझ आ रहा है कि डॉग डी अच्छा कैरेक्टर है, कैटनैप बुरा कैरेक्टर है। ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज था काफी इन चीजों को लेके, हगी वगी बुरा कैरेक्टर है। ओके, सो ये हमारी अगली वीडियो, जैक्स वर्सेस कैटनैप इन रियल लाइफ। ओके, ये किसी का कमरा है, वो हगी वगी और किटी विली पड़े हुए हैं। ओके, किसी ने उठाया उनको। ओके, ये किसी की मम्मी है एंड इसके बेटे का नाम मार्क है और उसने अपना रूम हमेशा की तरह खराब रखा हुआ है एंड इसको साफ करना पड़ रहा है। ये कंप्लेन कर रही है। आई एम हियर। चेक के पास वो ये लैपटॉप के अंदर है। स्विच हिज कंप्यूटर। वो इस बंद करने जा रही है उसको एंड ये रोक रहा है। हेल्प मी, ऑल माय फ्रेंड्स हैव डिसअपीयर्ड। उससे हेल्प मांग रहा है कि इसके सारे दोस्त गायब हो चुके हैं इसकी दुनिया से, तो ये इसकी हेल्प करे। इसको चीज पे बिलीव नहीं हुआ तो ये लैपटॉप बंद करके जा रही है। How could I believe it? Oh! भाई कैटनैप रियल लाइफ में कैसे आया? उसको बेहोश कर दिया, उसको बांधा भी हुआ है भाई। ओके, ये जग चुकी है, क्या करेगी अभी? ओ आ गया। कैटनैप,
पूछ रहा है क्या वो जग गई है, स्लीपिंग, वो मना कर रही है कि मैं सो रही हूँ। वो पूछ रही है कि उसको उससे क्या चाहिए, एंड कैटना बोल रहा है कि उसे चाहिए कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे, उसे पूरी दुनिया पे राज करना है। बट ये लड़की कह रही है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर भी नहीं रही हूँ, लाइक वो तो मस्त अपने घर में घूम रही थी। एंड ये कह रहा है कि उसको नहीं पता, बट वो उसको जाने नहीं दे सकता। सर टाइमर सेट किया हुआ है इस चीज का, उसने बॉम्ब लगाया हुआ है, आर यू सीरियस भाई? ये सब चीज इसको कैसे आती है? इसको सिखाया किसने बॉम्ब बनाना, या फिर इसने खरीदा कहां से? ओ जैक्स आ गया, सेल्प मांग लिया। माय नेम इज जैक्स, नाम बता रहा है। एंड ये लड़की बोल रही कि इस सब का टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब है, एंड ये लोग फट जाएंगे अगर उन्होंने जल्दी नहीं किया तो। ओके ये इसको लेके जा रहा है शायद अब यहाँ से। ओके यप यहाँ से भाग रहे हैं, बट खिड़की काफी छोटी है तो ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते। लाइक ये तो जा सकता है, जैक्स तो जा सकता है, बट ये लड़की नहीं जा सकती। एंड डोर लॉक है तो दोनों रास्ते बंद है। एंड सो कुछ तो सूजा है, उसने बॉम्ब खा लिया। बहुत डकारी मार ली। एंड उसे पूछ रही है कि क्या हो रहा है, एंड ये इस दुनिया में आए ही क्यों है। एंड ये बोल रहा है कि इसको आना ही नहीं था इस दुनिया में, बट ये कैटनैप की वजह से आया हुआ है, क्योंकि कैटनैप को चाहिए कि सब लोग उससे प्यार करें, इसीलिए उसने सारे कैरेक्टर्स को उसके वर्ल्ड से डिलीट कर दिया है। एंड ये अकेला बचा था, एंड ये इसके लैपटॉप के थ्रू इस दुनिया में आया है। एंड उसने तभी देखा था कि इसको कैटनैप ले जा रहा है, एंड इसकी फट गई थी वहीं पे। ओके इसको इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ, बट ये कह रही है कि ये इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बट ये कह रहा है कि कैटनैप इसको नहीं छोड़ेगा, तो ये डेंजर में है। एंड अभी इसको अपने बेटे की याद आई है, क्योंकि इसका बेटा अभी स्कूल से आने वाला है। तो यहाँ से व्हाट, उसने तोड़ दिया गेट? अभी ये चीज पहले भी तो कर सकता था। ओके अपने बेटे को लेने आ चुकी है, कि क्या वो घर पे आ चुका है स्कूल से? रास्ते में, मतलब स्कूल से घर वाले रास्ते में। एंड यहाँ पे जैक्स इसे समझा रहा है कि इन लोगों को सैटेलाइट ढूंढनी पड़ेगी, ताकि इनका वर्ल्ड और कैरेक्टर्स को ये फिर से जिंदा कर पाए। एंड लड़की बोल रही है उससे पहले इनको इसके बेटे को ढूंढना पड़ेगा। ओके आई गेस ये लोग स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि इसके बेटे को वो जल्दी ढूंढ पाए। एंड अभी ही जैक्स को याद आता है कि इसने उसके बेटे को देखा तो है नहीं, तो वो ढूंढे कैसे? How can I recognize him if I don't know how he looks like? ओके ये दूसरे रास्ते पे है। ओ भाई इसने अटैक कर दिया है, अब क्या करेगी? भाई इसका चेहरा है तो थोड़ा डरावना, लाइक रात में दिखेगा तो थोड़ा बहुत डर लगेगा मेरे को। ओके ये भागना चालू कर दिया इसने। ओके 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 ओ ये सामने आ चुका है। व्हाट डोंट प्ले विद मी यू वाइल्ड लिटिल ह्यूमन। भाई इसकी सटक गई, मैं बता रहा हूँ। ये बोल रही है कि इसको इससे क्या चाहिए, एंड ये बोल रहा है इसको इसका लैपटॉप चाहिए, एंड इसको वो रैबिट को मारना है। ये जैक्स की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि इसको एक दिन देगा सोचने का, कि इसको देना है कि नहीं देना है। एंड ये फोन इसके बेटे का है, एंड इसको बोल के जा रहा है कि इसको लास्ट वीडियो देखनी है इस फोन की, कुछ तो है वीडियो में। ये अभी आया फाइट करने के लिए। या भाई तू लेट है। ओके वीडियो में क्या है? Hey, what's there? Mom, don't worry. I'm okay. I'm waiting for you. भाई इसने ऐसे किडनैप किया हुआ है इसके बेटे को। Building 12 at exactly 12 o'clock. Got it. किसने टाइम?
व्हाट भाई ये कैसा बच्चा है? उसको डर ही नहीं लग रहा है। आई गेस वो पहले वाले वीडियो से उसका डर निकल चुका है। ओह ये आ गई। इट्स हियर। ओके ये लैपटॉप लेके आई हुई है एंड ये पूछ रहा है कि रैबिट किधर है, तो वो कह रही है वो लैपटॉप के अंदर ही है एंड ये पहले इसको इसका बेटा देगा एंड फिर वो लैपटॉप देगी। ओह आर यू ऑलराइट नाउ? ये अब ये लैपटॉप मांग रहे हैं, कैसे दे देगी क्या? ओह भाई ये ज्यादा कूल तरीका नहीं हो गया? यप आई गेस अब ये सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये जैक्स के दोस्तों को वापस से जिंदा कर पाए एंड कैटनैप को दुनिया भेज पाए, उसी दुनिया में दूसरी वाली में। भाई क्या जैक्स इतना पावरफुल है कि वो कैटनैप से लड़ पा रहे हैं? ओ वो अटैक करने जा रहा है उनपे, उसकी पूछ पकड़ ली। वो पूछ रहे क्या उन्होंने उसे कनेक्ट कर दिया? भाई ये क्या, ज्यादा टाइम का नहीं है ये एंड ये बच्चा कर रहा है, आर यू सीरियस? बच्चे के अंदर तो दिमाग है, उसने कनेक्ट कर दिया। एंटर यप, वो डेटा सारा अपलोड हो रहा है जिससे कि इसके दोस्त सारे जिंदा हो जाएंगे एंड कैटनैप भी उस दुनिया में चला जाएगा। ये अपलोडेड एंड गायब हो गए दोनों। I'm here. Jax? Oh, ये सारे वापस अपनी दुनिया में चले गए। So much. Don't worry. Everything is fine. My world is restored now. वो कह रहा है उसका वर्ल्ड वापस आ चुका है एंड उसके दोस्त ही वापस आ चुके हैं। Thank you. एंड वो थैंक यू बोल रहा है। Soon I'll tell you. See you. Oh, बोल के भी नहीं जा रहा थैंक यू, काइंड ऑफ बोल रहा है कि बाद में बोलेगा। अभी लोग पिज़्ज़ा खाने जाने वाले हैं। अच्छी स्टोरी थी यार, काफी ज्यादा अप डाउन थे यार इस स्टोरी में। बट देखो ये वीडियो इसी के साथ यहीं पे खत्म हो रही है क्योंकि मेरे पास और वीडियो नहीं है रिएक्ट करने के लिए। देखो मुझे पता है तुम लोगों को चाहिए वीडियो चलती रहे, मेरे को भी चाहिए यार, बट वीडियो खत्म हो रही है यहाँ पे। तो हाँ इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को क्योंकि ये पॉपी प्ले टाइम की लास्ट वीडियो है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं तुमसे लूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।